नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी रवि गुप्ता जी। रवि जी, आज गुरुवार को सुबह जौनपुर में एक हत्या हुई, और हत्या किसकी हुई? भाजपा के जिला महामंत्री, पूर्व किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रमोद यादव की। बताया ये गया कि वो सुबह घर से निकल रहे थे, उनको शादी का कार्ड देने के बहाने मोटरसाइकिल से कुछ लोगों ने रोका और उन पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई गईं। अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो चुकी थी। प्रमोद यादव के बारे में अगर बात की जाए तो ये 2012 में धनंजय सिंह की पत्नी के खिलाफ इन्होंने पर्चा भी भरा था, जागृति सिंह के खिलाफ, लेकिन तकनीकी वजहों से इनका पर्चा खारिज हो गया था क्योंकि समय से सिंबल नहीं जमा कर पाए थे। मौजूदा समय में वो महामंत्री थे, एक्टिव थे राजनीति में। उनकी मौत की खबर सुन के कृपा शंकर सिंह समेत बहुत सारे लोग पहुँचे। तो आप इसको क्या लेते हैं? योगी जी एक तरफ तो बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस, और DGP साहब भी कहते हैं कि यूपी में बिल्कुल माहौल है, निवेश आ रहा है, हत्या अपराधी जितने थे वो या तो जेल में चले गए या बुलडोजर के डर से ऊपर चले गए। तो आप इसको, ये दिन दहाड़े भाजपा नेता की जो ये हत्या हुई, तो इसे आप किस तरह लेते हैं? देखिए, जौनपुर अभी पिछले कई दिनों से काफ़ी सुर्खियों में रहा है। राजनीति की बात करें तो तमाम, कभी टिकट बंटवारे को लेकर कभी कई सारे नाम आए, हालांकि इसमें कृपा शंकर सिंह बाजी मार ले गए। मूल निवासी वह जौनपुर के हैं, उनका पूरा परिवार जौनपुर का है, लेकिन बहुत पहले वह कांग्रेस का दामन थाम लिया। बहुत बड़ा कारोबार उनका अपना महाराष्ट्र में, एक अपना एक राजनीतिक छत्रप है, उत्तर भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं, गृह मंत्री भी रहे। तो काफ़ी समय से कांग्रेसी, लेकिन बदलते समीकरण में आप कहते हैं कि राजनीति और प्रेम में हर चीज़ संभावनाएँ हमेशा बनी रहती हैं, आना जाना लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें रहीं। कृपा शंकर सिंह बड़ा ही, मतलब अप्रत्याशित रूप से उनका नाम आया और टिकट फाइनल में उनका हो गया सीजन। उस टिकट फाइनल होने के ठीक बाद इस तरह की जो हत्या हुई, जिला मंत्री वो युवा नेता था और उनका एक यादव बेल्ट में बड़ा अच्छा पकड़ था, तमाम चीज़ें थी। तो ऐसे में अब हम लोग किसी को पार्टी तो बना नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो चर्चाएँ आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अदावत, जो करमवीर कहते हैं, आपने एक फ्लैशबैक बताया अभी कि क्या कैसे रहा, और उसी में फिर एक दिन पहले धनंजय सिंह को कुछ पुराने मामलों में 2-7 साल की सज़ा हो जाना। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी गुत्थियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती हैं। इत्तफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन अब ये है कि यहाँ एक प्रदेश सरकार पर, कि सत्ता पक्ष के ही नेता या युवा नेता पर इस तरीके से अगर जो है सीधे हमलावर इतना जो है वो इस तरह से अगर अटैक करते हैं, तो ये कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चुनौती देने का, वो भी चुनावी माहौल में। और वैसे भी गृह विभाग तो योगी आदित्यनाथ के पास है, DGP उनके मनपसंद हैं, वो कार्यवाहक हैं। अभी तक यूपी को पूर्णकालिक DGP नहीं मिल सका है, चीफ सेक्रेटरी नहीं मिल सका है। तो आपको क्या लगता है कि जो पूर्वांचल खासतौर से जो बेल्ट है वो माफियाओं का बेल्ट है, और बहुत सारे माफिया शरणागत हैं इस समय सिस्टम और सरकार के? आप उदाहरण के तौर पर अभय सिंह को लीजिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या देखते हैं कि पूर्वांचल में जो आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव है, ये हत्या, धनंजय सिंह का जेल जाना, इसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं सियासत से लोकसभा चुनाव के? राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण, दोनों का बहुत चोली दामन का साथ रहा है करमवीर। बहुत पहले से ऐसी चीज़ें रही हैं, और राजनीतिक जो शुचिता की बात है, ये बड़ा एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कहाँ किसका कौन सा सफ़ेद कलर किसका है, और उस कलर के नीचे कितनी गंदगी, आप कह नहीं सकते। हम पत्रकार हैं और तमाम हम लोग उठते बैठते हैं, हर जगह आना जाना रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं। लेकिन पूर्वांचल, सही कहा आपने कि यही वजह रही कि पूर्वांचल में शिक्षा का जो एक वातावरण रहा, और कहने को वहाँ तमाम IAS PCS और IPS निकलते रहे, तमाम ब्यूरोक्रेसी निकलती रही। लेकिन साथ ही साथ देखिए, कुछ दिनों पहले जो घटना हुई थी, जो यहाँ पर लखनऊ में जो शूटर था, वो जौनपुर के राकत तहसील का ही शूटर लड़का था, वो बेरोज़गार था, उसको किस तरह से किया गया। अभी जो सवाल, अगर आप बात करें जो अयोध्या, अरे प्रयागराज में अतीक अहमद बहुत बड़ा शूटर रहा, उसका जो है यहाँ पर कोर्ट परिसर में इस तरीके से, तो जो ये मर्डर या इस सब का सिलसिला है, इसमें ये सवाल जनता अब ये सोच रही है कि जो आज ये प्रमोद यादव का जो हत्या हुई, ये दिन दहाड़े हुई, इस पर पुलिस कितना त्वरित एक्शन लेती है और किस तरीके से, क्योंकि ये सीधे योगी सरकार को चुनौती है मेरे हिसाब से, और नवागत DGP को भी, ये प्रशांत कुमार को, जो कि अपने एक अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, प्लस इस समय ADG LO की जो भूमिका है, STF चीफ जो इस समय अमिताभ यश, उनकी भी भूमिका बड़ा है, बहुत ही शातिर माने जाते हैं, बहुत ही उनका एक अपना रणनीतिक तरीके से काम करते हैं, कितनी तेज़ी से इस चीज़ को शॉर्ट आउट करते हैं, उन शूटरों को जो है जेल की सलाखों के पीछे करते हैं, कि चुनावी माहौल में फिर से कानून व्यवस्था को किस तरीके से प्रतिस्थापित करते हैं। और पूर्वांचल में अगर इस तरीके से नहीं होगा, गोरखपुर में आप देखिए तिवारी जी के हाथे में, तो ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, घटनाक्रम तमाम चीज़ जुड़ती
आ रही हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो जो टिकट बंटवारे का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो जब राजनीति अंडर करंट जब होती है तो तमाम चीज़ें जब टिकट होने के बाद फिर आदमी उसको डिस्टर्ब करना और उसको एक तरीके से करना, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लग रहा है कि रुकने वाले नहीं, लेकिन हाँ ये सवाल ये खड़ा करता है कि कितनी जल्दी इस मामले का शॉर्ट आउट करते हैं। तब कहीं मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल में जो अभी आपराधिक लहर बना है ये अभी शुरुआत है। अगर इस पे अगर योगी सरकार ने त्वरित एक्शन, यहाँ के डीजीपी ने अगर एक्शन नहीं लिया तो ये एक बहुत बड़ा जो कांटा बन के आएगा। ऐसी अगर अपराध व्यवस्था पुलिसिंग की ही बात करें तो इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि आज सोशल मीडिया पे ओम प्रकाश राजभर जो नए नए मंत्री बनाए गए हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक सभा में कह रहे हैं कि ये 25 रुपये का पीला गमछा आता है, सफ़ेद गमछा मत पहनो, अपने लोगों से कह रहे हैं, और थाने जाओ, थानेदार से जाओ, बताओ कि मंत्री जी ने भेजा है, उसकी हैसियत नहीं कि मुझसे फ़ोन करके पूछ पाए कि मैंने भेजा है कि नहीं। उसमें वो कप्तान का भी नाम लेते हैं, इवन वो डीजीपी तक का नाम लेते हैं कि उनकी भी हैसियत नहीं मुझसे फ़ोन करके पूछ पाएँ। तो आपको क्या लगता है, चूँकि गृह विभाग सीधे योगी आदित्यनाथ का है और उस वीडियो में गौर करने वाली बात है, उनकी जो स्टार्टिंग लाइन की है वो ये कहते हैं कि मेरे पास पावर सेंटर है, वो पहले मोदी जी का नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं अमित शाह और मोदी जी का मेरा डायरेक्ट संबंध है, मैं उनसे डायरेक्ट बात करता हूँ, और यूपी में योगी आदित्यनाथ को पावर सेंटर तो बताते हैं लेकिन उसके तुरंत बाद वो ब्रजेश पाठक या केशव मौर्य का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं उसके बाद योगी बात कौन है, मैं ही हूँ। तो आप इसको कैसे लेते हैं, ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी चुनौती है, ओम प्रकाश राजभर पहले भी हमेशा योगी के लिए बवाले जान ही रहे हैं, सरदर्द ही साबित हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनको लाया गया है, अब इनको चुनाव तक तो झेलेंगे ही योगी जी, और खुलेआम पे ये यानी कि कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, वही जो जौनपुर में कांड हुआ, ठीक वैसी स्थिति है योगी इनकी भी है ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को आप कैसे देते, कितने दिन टिकेंगे कि या चले जाएंगे? देखिए राजभर ठीक है, ये लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक मर्यादा जो होती है और बहुत संभल के चीज़ों को बोलना है, वो भी चुनावी माहौल में। ठीक है, राजभर जिस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके समुदाय के जो भी लोग हैं, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनको यह अपने नेता द्वारा कहा जाना बड़ा अच्छा लगता हो कि वो अपनी एक इमेज बना रहे हैं अपने समुदाय राजभर समुदाय के बीच में, और उन्होंने अभी आनंद फानंद इसके बाद ही अपने घोषित से ही अपने बेटे को उन्होंने उम्मीदवार भी अपनी पार्टी से घोषित कर दिया उनका। तो सवाल ये है कि इस परिवारवाद से और जो राजनीतिक बड़बोलापन जो उनका है, कभी वो सोचेंगे, हो सकता बोलने में उनके मुंह से निकल गया हो या कुछ और सोचा हो, असर तो कहीं ना कहीं सही कहा आपने कि सीएम योगी को बहुत पहले से अंदर खाने में ये सूचना थी कि ये मंत्री बहुत पहले बन जाते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक जो योगी भी होल्ड पे रखे थे, बहुत बचा रहे थे, इनको अवॉइड कर रहे थे, हाँ जहाँ तक बस चली उतना तक उन्होंने किया, और उसके बीच ये कई बार जो है शाहजी के दरबार, अमित शाह के दरबार भागे दौड़े, बहुत फोटो वोटो खिंचाए, तो ये अंतिम समय मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनको समय दिया गया, लेकिन अगर इस तरीके से राजनीतिक बड़बोलापन अगर इन्होंने नहीं कम किया, इन्हीं के समकक्ष तमाम पार्टियां हैं, अपना दल है, अनुप्रिया है, ये वो बहुत देखिए आप किस तरीके से भाषा का प्रयोग, किस तरीके से जो है एक दूरगामी जो सिस्टम अपना है, अपने आप उस सरकार को ही चुनौती दे रहे हो जिस सरकार में दो दिन पहले आप कैबिनेट मंत्री के आप मंत्री हो के ही आप कप्तान डीएम और डीजी और डीजीपी का नाम लेके और उस तरीके से उनका उल्लास या उपहास कर रहे हो, अपनी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम का सत्ता शासन के जो अंग होते हैं जिनके नाम पर जिनकी पॉलिसी मेकर्स आप होते हैं, आप नेता होते हैं, वो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होकर इस तरह से आप बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है फिर वही स्थिति आएगी कि ये कभी लेटर चुनाव के बाद स्थिति आएगी, अगर कहीं अगर कुछ बेटर कर गए तब तो ठीक है, थोड़ा सा इनके लिए सेफ्टी वाल्व का भूमिका होगा, अगर नहीं बेटर कर ले गए तो फिर मुझे लगता है कि इनके जो है पीछे लात पड़ना लाजमी है। वजह यह है कि फिर वही जो ये कहें, और आपको बताऊँ जो आप जो अक्सर कहते हैं कि आई एस लॉबी जो होती है वो कोई भी कुछ कहे लेकिन वो बातों को सुनती तो ज़रूर है, लेकिन वो दिल दिमाग बहुत तेज़ रखती है वो, और समय आने पर जो है फिर वही चीज़ें होंगी कि ये लेटर लेके किसी थाने में जाएं, कोई कहीं भगा दिया जाए, कहीं कुछ हो जाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये है कि उनको सुझाव है कि इस समय अगर एनडीए के घटक दल को अपने उसके तौर पर मानते हैं अपने को, तो बहुत ही विजनरी तरीके से आगे धीरे धीरे चले और अपने बड़बोलेपन को अपने तक सीमित रखे उस तरीके से, सीधे सरकार पर करना और जिस साख पर बैठा उल्लू उसी पर जो है वो काटने वाली स्थिति ना हो। मेरे साथ बिल्कुल मिला के आपने देखा जैसा कि रवि जी ने भी बताया, ओपी राजभर वो प्राणी है ब्रह्मांड में कि जो पहले तो अब ये इन्होंने पीला गमछा 25 रुपये वाला कांड किया, अभी ये इससे बड़ा कांड करेंगे जब विभाग का बंटवारा होगा, विभाग बटेगा फिर ये भागे भागे शाह जी के पास जाएंगे, योगी जी इससे इनका ही नहीं बनेगी, तो ये तो कुल भविष्य के अतीत के भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन
हो सकता है कि आज की तारीख में थाने के दरोगा अपने कप्तान से फीडबैक ले रहे हों और कप्तान डीजीपी ऑफिस से ले रहा हो कि सर ऐसा बोला है माननीय मंत्री जी ने, अगर मेरे पास पीला गमछा पहन के कोई आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि डीजीपी साहब क्या इस पे बताते हैं। ये अच्छा प्रश्न योगी जी के लिए भी है और डीजीपी साहब के लिए भी है। धन्यवाद।